हेलो साथियों, कहते हैं आप सभी में विवेक। एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एसएससी जीडी रिजल्ट किसी भी समय घोषित हो सकता है और जब रिजल्ट आएगा तो लाखों 30-35-40 लाख बच्चे एक साथ रिजल्ट देखने जाएंगे और कुछ का रिजल्ट जल्दी शो हो जाएगा, कुछ का रिजल्ट बहुत देर लगेगी और वो तब तक परेशान रहेंगे, जगह जगह चैनल चैनल भटकेंगे, जगह जगह सर्च करने की कोशिश करेंगे, सर्वर फेल हो जाते हैं जब जीडी का रिजल्ट आता है, वो भी कौन सा, फिजिकल से पहले वाला। फिजिकल के बाद में आता है उसमें कम बच्चे रह जाते हैं, लेकिन फिजिकल वाला जो रिजल्ट आता है, क्योंकि सबको अपना रिजल्ट देखना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के इस समस्या को चुटकियों में हल करने के लिए एग्जामपुर की टीम एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए घोषणा लेकर आई है। खुश हो जाओगे और दिल से कहोगे सर कितना आसान कर दिया आपने। देखो, अगर मैं ऐसा करूं, एक रिजल्ट का पीडीएफ आता है पूरा का पूरा, उस पीडीएफ में लाखों नाम होते हैं और लड़कियों के अलग लड़कों के अलग। मान ले मैं कुछ ऐसा जादू करूं कि आपको आपका रोल नंबर तो पता है, रोल नंबर तो सबको पता है ना, आप रोल नंबर को पहले से सेव करके रखें। रोल नंबर आपका पता है, जैसे मान लो 5000 5 5 5 10 10 ऐसे कुछ करके रोल नंबर है, 5 बार 5 आपका रोल नंबर है, आपको पता है, ठीक है भैया। आपको जैसे ही उस रोल नंबर को आप सेव करें, सेव करके पहले से रख दो, फिर जैसे रिजल्ट आया आपको पता चली, आपको कोई पीडीएफ वीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप गए और आपने उस रोल नंबर को जो सेव किया हुआ था आपने सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया तुरंत वो पीडीएफ में से खुद आपका सर्च होके आ जाए कि ये रोल नंबर यू आर क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड। ये अगर कर दूं तो कैसा रहेगा, इसके लिए एप्लीकेशन पर विशेष व्यवस्था करनी होती है जो हमारी टेक्निकल टीम ने, इंजीनियरिंग टीम ने कर ली। इंडिया में पहली बार हजारों फंडेड कंपनियों के बीच में से एक एग्जाम्पल छोटा सा, बिल्कुल नन्ना सा बालक ऐसी बढ़िया सी आपके लिए फंक्शनलिटी लेकर आया है। खुश हो जाओगे, बता रहा हूं कैसे। पहले से अपना रोल नंबर सेव करके रखें, सामने वालों को समझने में देर लगेगी, तब तक तो तुम्हारे रिजल्ट देख लोगे। करें कैसे, पहली चीज आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर जाना है। किस पर जाना है, एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर। किस पर जाना है, सब लोग लिखो कि एसएससी जीडी का रिजल्ट देखने के लिए आपको एग्जाम पर ऐप ओपन करना होगा। सबसे पहले आपने एग्जाम अभी सेव कर, जब आएगा वो घोषणा में अलग करूंगा उसका तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये पहले से रेडी हो जाओ। आने से पहले आप अपना पीडीएफ वगैरह रेडी कर लें, ओपन कर लिया। जैसे आप ओपन करोगे आपको सबसे ऊपर ये ऐसा आएगा, एसएससी रिजल्ट चेक करने के लिए जल्दी से अपना जो रोल नंबर है वो रोल नंबर इस पे क्लिक करते बैनर पे आपको रोल नंबर सेव करना होगा। यहां पर आपको ऐसा आपका रोल नंबर बैनर पर क्लिक करते ही कोई आपको नंबर नहीं देना, कोई आपको ईमेल आईडी नहीं देनी, कोई आपको नाम नहीं बताना, लेकिन अपना रोल नंबर आपको सही भरना है, अपना रोल नंबर आपको अच्छे से भरना है, ठीक है भैया। इसमें गलती ना हो तो अच्छे से सोच समझ कर, और ये हमने टेस्ट कर लिया है पुराने रिजल्ट पर, पुराने रिजल्ट पर अच्छे से चेक कर लिया है एक एक चीज को जो पुराना आया था। अब जैसे नया रिजल्ट आएगा हम तुरंत पीडीएफ अपलोड कर देंगे, किसी भी समय निकल सकता है। मैं पहले से बस आपको तैयार होने का बता रहा हूं, क्यों, जिससे कि आपको बार बार फिर ना भटकना पड़े। फिर कि सर आप कमेंट में अपना बताते हो, कमेंट में रोल नंबर निकाल के फिर आपका उसमें सर्च करते हैं लाखों नाम में, तब आपका कहीं नाम आता है। इस सबका झंझट ही खत्म कर दिया हमने। आपको अभी तुरंत इस क्लास को देखते हुए एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर जाना है, जिसका लिंक गूगल प्ले स्टोर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन, जैसे आप गूगल फॉर्म भरते हो ना, लगभग ऐसा ही है। एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन पर जाते ही और उसमें बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन है, अब तो कोई नाम वाम इतना जरूरत नहीं है। रोल नंबर जैसे आप सेव करोगे, इस पर दबाओगे, लिखा आएगा आपका रोल नंबर सेव हो गया है। रोल नंबर सेव हो गया, इसको अपना एकदम अच्छे से रख लो, फिर वापस आ जाओ, कोई टेंशन मत लो। उसके बाद में जैसे रिजल्ट आएगा ये पीडीएफ अपलोड होगा तो हम आपको फिर से ऐप पर वापस जाना होगा। पहले आप ऐप पर ऐसे उस पे ऐप पर के बैनर पर गए और पहली बार में आपने अपना रोल नंबर अभी सेव कर लिया। इसका फायदा क्या है कि रिजल्ट आने के बाद में अगर मान लो आप सेव करना चाहें तब जाएं तो तब इस पर भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, तो हो सकता है ये भी फेल हो जाए। ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल तुरंत। आपको कोई पीडीएफ वीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी, किसी को जाके अपना रोल नंबर नहीं देखना, क्योंकि साइट बहुत जल्दी बिजी हो जाती है, हैंग हो जाती है।
तो हम उसको तुरंत तुरंत यहां पे अपलोड करके, आपने अपना रोल नंबर पहले सेव किया हुआ है, फिर आपने इसको ऐप पर दोबारा से आप गए, पहली बार सेव हो गया दोबारा गए, और दोबारा जाते ही बस आपको यहां पर चेक करना होगा रोल नंबर आपका ऑलरेडी सेव है, आपको सीधा अपना रोल नंबर दिखेगा और यहां पर चेक रिजल्ट करना होगा। और जैसे ही चेक रिजल्ट आ जाता है तो आपको दो तरीके के मैसेज, यदि आपका हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, या नहीं होता है सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड। ऐसी फंक्शनलिटी बनाइए जबरदस्त सी, लेकिन जब जब ये रिजल्ट अपलोड हो जाएगा वो, तो क्या होता है पीडीएफ ढूंढने में उसमें बड़ी समस्या लगती है, समय लगता है, आपको या तो बढ़ते क्रम में रोल नंबर ढूंढने पड़ते हैं, फिर नाम वगैरह मैच करो। केवल आपको अपना रोल नंबर हमारी एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, एग्जाम्पल की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, और आपके पास ज्यादातर के पास होगी, नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए और अपना रोल नंबर सेव रख लीजिए। एक बैनर दिखेगा आपको खुलते ही, उस बैनर ऐसा बैनर दिखेगा, इस बैनर पे जाके आप लोग अपना रोल नंबर सेव कर लीजिए, फिर दोबारा जैसे रिजल्ट आएगा, आपको आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, चाहे रात को 2 भी बज रहे होंगे ना 10 भी बज रहे होंगे, नोटिफिकेशन जाएगा कि भी जीडी का रिजल्ट आ गया, फटाक से सट्ट से खोल लेना एप्लीकेशन को, कोई यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है, कोई एसएससी की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, एक नोटिफिकेशन आएगा जी रिजल्ट आ गया तुरंत चेक करो, सट्ट से खोल लेना। खोलते ही आपको फिर से बैनर पे जाना है, रोल नंबर आप पहले सेव कर चुके हो, इसको जैसे क्लिक करोगे चेक रिजल्ट इस प्रकार का हो गया होगा, भगवान करे सबका हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, ये क्योंकि